टू आवर शो ट्विंटरव्यू ट्विंटरव्यू जहां हम आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज जहां होता है थोड़ा प्रमोशन थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा कन्फेशन और ढेर सारी मस्ती। तो ठीक है हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के स्पेशल गेस्ट से। आप उनको जानते होंगे और सबसे एक बहुत अच्छा हिंट मैं देना चाहूंगी, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, वो इन्फ्लुएंसर और यहाँ तक की लॉयर है, बहुत पढ़े लिखे हैं। ही इज वन एंड ओनली अभिषेक निगम। पर तुम लोग तो मेरे इंट्रोडक्शन में सबसे मेन पार्ट भूल गए। क्या? कि मैं उस शो का हीरो हूं जिसमें तुम लोग साइड रोल्स थे। साइड रोल्स? हां मतलब एक इस साइड एक इस साइड था। अच्छा बोला मत करो। वैसे ऐसा पहली बार हुआ होगा लाइफ में और किसी ने देखा भी होगा कि साइड रोल्स करने वाली लड़कियां हीरो से ज्यादा फेमस। वरना कुछ लोग तो बस फेमस सेलिब्रिटीज का नाम कॉपी करके फेमस हो रहे हैं। मतलब कैसे? क्यों आपने अभिषेक बच्चन का अभिषेक चुराया और सोनू निगम का निगम तो बन गया ना अभिषेक निगम। मैंने तो सिर्फ नाम चुराया है, तुम दोनों तो एक दूसरे की शक्लें चुराई हुई हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी। दैट्स ट्रू। शुक्र मनाओ तुम थोड़े ज्यादा हैंडसम हो, वरना सिद्धार्थ और तुम एक दूसरे की फोटोकॉपी होते और लोग तुम्हें मर्दों की चिंकी होते। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर लड़ने के लिए बुलाया या इंटरव्यू के लिए बुलाया? तो अभिषेक एक बात बताओ, सिद्धार्थ ने अपना एक्टिंग करियर बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो जब उसने शुरुआत करी उसके धीरे धीरे पेमेंट्स आने लगी, क्या उसके बाद आपने सोचा कि मैं भी एक्टिंग शुरू कर देता हूँ, थोड़े बहुत नोट छाप लूंगा? अब हो सकता है। सिद्धार्थ सुन रहे हैं? नहीं नहीं मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स उसकी पेमेंट उसके पास भी नहीं आती तो हमें पता नहीं चल रहा था सिद्धार्थ कितनी पेमेंट आ रही है। बट हाँ ऐसा होता था कि वो अशोका करता था और मैं वहीं पे सेट पे रहता था, मैं पढ़ाई लिखाई करता रहता था। जैसे मैं बोलता था यार मैंने ना एक ऑडिशन देने का सोचा हुआ है, वेरी गुड गो हेड ब्रो गो हेड, बहुत अच्छा वेरी नाइस अभिषेक वेरी नाइस। तो मुझे लगा शायद मेरे परिवार वालों को मेरे साथ वालों को शायद चाहिए कि मैं भी एक्टिंग में आऊँ या कुछ करूँ इस इंडस्ट्री में। तो देन आई ऑल्सो ऑप्टेड कि चलो ठीक है पढ़ाई तो साथ साथ चली रही है, इस तरफ भी एक बार हाथ आजमा के देख ले। सबसे पहला शो था आपका अकबर, तो आपको आपको कैसे इतना विश्वास हो कि आप अकबर के लिए एकदम फिट हैं? बिकॉज थोड़े से बाल लंबे कर दोगे तो अनारकली ज्यादा लगोगे। बिल्कुल, एक्चुअली मैं अनारकली ही था। तभी उनको अकबर मिला नहीं तो मुझे अकबर बना दिया उन लोगों ने। नहीं बाल लंबे ही थे। सच में लंबे थे? कौन मैंने अकबर में विक थोड़ी ना पहनी थी, मेरे बाल लंबे ही थे। अच्छा और पानीपत में बिल्कुल बोल ले ही हो गया था मैं तो। तो अभिषेक जब आपने अकबर का रोल किया था, तो जब आप अपना शूट करने के बाद पैकअप करने के बाद घर आते थे, तो क्या आप अपनी मम्मी को ऐसे बोलते थे आज हमारे लिए शाही खाना पेश किया जाए? मैं ऐसे ही बोलता था, मम्मी भी जवाब देती थी हाँ बेटा आपके लिए मैंने दो शाही लात परोसे अपनी तशरीफ आगे लाई है। तो आपने बहुत प्यारी फिल्म करी पानीपत। थैंक यू। पानीपत करने का ये रीजन था कि कृति सैनन के साथ काम करने का मौका मिलेगा या फिर कर दी? नहीं पानीपत करने का ये रीजन था कि मुझे फिल्म करने को मिल रही है। और काफ़ी अच्छी फिल्म थी और उसमें सबसे बड़े जो डायरेक्टर थे मिस्टर आशुतोष गोवारिकर थे, सो जिन्होंने लगान बनाई स्वदेश बनाई दोनों ही मतलब मेरी फेवरेट फिल्म्स में से एक थी, सो आई गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हुई है, सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। अच्छा एक ना उड़ती उड़ती अफवाह आई थी तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये सच अफवाह अफवाह दोबारा नहीं एक उड़ती उड़ती खबर आई थी। हाँ नाइस ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि पानीपत आपको ऑफर हुई थी या सिद्धार्थ को ऑफर हुई थी पहले? पानीपत एक्चुअली हम दोनों को बुलाया गया। नहीं झूठ सच में रॉन्ग। तुम्हें कैसे पता? अफवाह थी ना? अफवाह नहीं थी मैं क्योंकि हमें क्योंकि हमें नहीं ही बताया है। नहीं 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 मैं बताता हूँ ऑफ कोर्स यार क्या है ना सिद्धार्थ के नंबर ज्यादा बटे हुए हैं। अच्छा अच्छा कॉल हमेशा उसको याद है। बट मैंने सुना था कि वाला दिन मैं बिजी था इसलिए आपको मिल गया था। नहीं 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 मैं बताता हूँ, मैं आपको रियल कहानी बताता हूँ क्या थी। सो हम दोनों गए थे पानीपत के लिए, सो देयर मतलब अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर व्हेन आशु सर सॉ मी एक्चुअली, सो ही सेड कि यू नो आई हैव दिस आई हेजल आईज एंड ऑल दैट, मतलब बता रहा हूँ जस्ट यू नो, सो आई लुक मोर आई फिट मोर फॉर द कैरेक्टर, सो ही डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू ऑडिशन अभिषेक फॉर द रोल। एंड मम्मी ने पहले ही बोला कि यू नो कि आप ही इज़ डूइंग अलादीन सो एंड ऑल दैट डेट्स का इशू बिकॉज सिद्धार्थ यू नो इज़ अ बिग स्टार, सो फॉर द डेट्स उसको चाहिए। अपन तो खाली बैठे हुए थे मस्त खां सर कहाँ आना है शूटिंग में, वैसे वाला सीन था। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया और आई थिंक जो पानीपत का ऑडिशन था वो मैंने बहुत शिद्दत के साथ दिया था, मतलब आई स्टिल रिमेंबर
आशु सर सामने ही खड़े हुए थे और मेरे पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे और उसके बावजूद जो लाइंस थी, अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसके पहले मैंने दो चार ऐसे माइथो सीरियल किए हुए थे तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी ठीक थी, सो आई वाज एबल टू डू इट एंड ही लाइक्ड इट, सो दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड. आप अकबर का रोल बहुत अच्छा निभाते हैं और आपने निभाया इनफैक्ट, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अनारकली होते तो आप कैसे लगते और क्या करते. तो ऐसे मजाकत एक बार करके क्या आपको अनारकली बन के सलीम एंड अकबर को मनाना है रील्स बनाने के. मम्मी कितना प्राउड होंगी तुम दोनों ने, इतिहास बदल दिया, अकबर और सलीम को जुड़वा बना दिया. शहजादे सलीम, आखिर कब तक अपने अब्बा के टुकड़ों पे पलते रहोगे. अनारकली तुम तो ठुमके शुमके मार के पैसे कमा लोगी, हमें तो अब्बा जान के टुकड़ों पर ही पलना पड़ेगा ना. शहजादे सलीम, खैर छोड़ो, आओ रील बनाते हैं. पता है एक भी रील वायरल हो गई ना तो लाइफ बन जाएगी लाइफ. ये हाथ सिर्फ जंग में तलवार पकड़ने के लिए है, समझ रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए नहीं. अल्लाह, इन नाजुक से हाथों पर तलवार का इतना जोर ना डालिए. और वैसे भी जिनके फॉलोअर्स नहीं होते हैं ना वो तलवार ही चलाएंगे, इंस्टा थोड़ी ना. आइए ठुमके लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, फॉलोवर्स बढ़ाते हैं. अनारकली तुम ऐसे ठुमके मारते हुए इंस्टाग्राम पे सारा भी शर्म नहीं आती ना. तेरे अब्बा हुजूर के सामने जो ठुमके मारती हूँ उसका क्या क्या देता है मुझे, है ताली बजा के तकलिया करने बोल देता है. कम से कम यहाँ ताली बजाती हूँ तो लाइक्स आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं, कपड़े चेंज होते हैं, सब्सक्राइब्स होते हैं और सबसे बेस्ट लोग बेल आइकन भी प्रेस करें. वैसे आपको पता है मेरा ना इंस्टाग्राम के साथ साथ ना यूट्यूब चैनल भी है. लाहौल बिल्ला खुवात, अनारकली तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी है, क्या बात. एक तो ना मैं आपकी हैरान होने वाली बात से परेशान हो गई हूँ. छोड़ो जी, आओ रील बनाते हैं. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, हमने तुम्हें यहाँ जंग की तैयारी के लिए भेजा था और तुम इस कनीज के हाथों ठुमका लगाना सीख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती. दुश्मन सेना जब तुम्हारे ठुमकों पे भाला मारेगी ना सारी जिंदगी ठुमक ठुमक के चलोगे. सिल्लिलाही, आजकल ना ठुमकों का ही जमाना है और जिन्होंने सही वक्त पे ठुमके लगा दिए ना आज वो इंटरव्यू कर रहे हैं. इस बेअब्दी के लिए हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे. एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी राजा है या मिस्त्री, ये बात बात पे दीवार में क्या चुनवा दोगे. हम तुम्हारी अल्लाह, आप जान भी लेते हैं. छोड़िए, हम लोग ना सेल्फी लेते हैं, सेल्फी डालेंगे, पड़ोसी देश को टैग करके उनको चलाएंगे. हैशटैग अकबर सलीम PFF. अनारकली हमें तुम्हारा स्टोरी का आइडिया बहुत अच्छा लगा. सलीम हम तुम्हें अशर्फियाँ देते हैं. धन्यवाद जनाब. ओफो, ये आदमी सिल्लिलाही, अगर आपको कुछ देना ही है तो प्रजा को दीजिए. ठीक है, उनसे कहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और हाँ सबसे बेस्ट बेल आइकन भी प्रेस करें. आइडिया बुरा नहीं है लेकिन एक ही शर्त पे. सलीम, प्रजा तुम्हें सब्सक्राइब करेगी लेकिन अनारकली तुम रील हमारे साथ बनाओगे. सिल्ले हिलाई हैशटैग यू टू. यस, हैशटैग मी टू. ये तो गलत हैशटैग हो गया. एनीवेज अनारकली कम ऑन लेट्स डू इट. अल्लाह, ये लीजिए. चलिए, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है. अनारकली क्या बात है, मतलब क्या अनारकली बने, एकदम मजा ही आ गया. मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं जब अकबर कर रहा था ना, अनारकली वाले किस्से से याद आया, मैं जब अकबर कर रहा था तो मैं ना अकबर की हमारी जो ड्रेस होती थी वो थोड़ी ऐसे बिकॉज ऑफ द माइथो तो एक हम लोग चोला पहनते थे पूरा. तो एक बच्चा आया, वो उसे सेल्फी लेनी थी, तो उसने ना एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी ऐप आता था तो उसमें फुल ऑन उसने फाउंडेशन आईलाइनर सब ऑन करके रखा हुआ था. वो आया बोला भैया एक सेल्फी. मैंने कहा ले ले बेटा. मैंने अकबर के कपड़े पहने हुए, बाल लंबे मेरे, मैं कैमरे के जैसे ही आगे आया देखा सामने लड़की में ये कौन है, देखा फिल्टर हटा, फिल्टर हटा के ले. तो ऐसा हुआ है, तो मैं उसमें सच में अनारकली लग रहा था. अच्छा, तो मैं सब किया हुआ है. लाइव अनारकली देख ही ली हमने वैसे आज. हां, आई नो, बहुत अच्छी लग रही है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज कन्फेशन.
आपके पास आपका फोन है? जी हाँ, निकालिए दिखाइए. ओके, नाउ ओपन योर इंस्टाग्राम अकाउंट. तो हम अगर इनके फॉलोअर्स देखें तो हैं 2.6 मिलियन. क्या बात है, फोन पकड़िए. इसकी कसम खाइए कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की कसम है, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा. मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा. ओके, गुड बॉय, नाउ टेक इट. आप बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट पे गए होंगे. नो. या कितनी लड़कियां, पहले तो ये बताएंगे. देखो, हम लोग पुणे में जब रहते थे ना, तो यही बातें करते थे कि मेरे जितने रूममेट्स बैचमेट्स थे सारे लड़के थे, और हम लोग अपनी गाड़ियों में घूमते रहते थे, ऐसे गाड़ी चलाते रहते थे. मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठा रहता था, और हम लोग बस बाहर ऐसे ही देखते रहते थे कि भगवान ने भी ना क्या किस्मत दी है, गाड़ी तो दी है पर लड़की नहीं दी हमें. नहीं, वैसे डेट पे गए होगे, अभी तो झूठ बोल रहा. तो कभी ऐसा हुआ है डेट पे आप गए हो और डेट खत्म होने के बाद किसी लड़की ने, उसी लड़की ने आपको बोला हो कि अभिषेक सिद्धार्थ का नंबर मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. तो क्योंकि डेट के पहले मैं पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. फंस गया. बट ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ है, ऑनेस्टली बताओ, पर डेट पे नहीं हुआ. मोस्टली कई बार ऐसा होता है मेरे साथ में, जब मैं किसी, वैसे अक्सर घर के काम मुझे करने पड़ते हैं बाहर जाके, तो मैं से बाहर ऐसे जा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, तभी कोई बच्चा आता है, भैया भैया एक सेल्फी मिलेगी प्लीज़. थैंक यू सिद्धार्थ भैया, बहुत अच्छा लगा हमें साथ सेल्फी लेके. मैंने कहा अच्छा, टैग कर देना उसको प्लीज़. तो ऐसे हो जाता है. बट मे बी बिकॉज पीपल कन्फ्यूज, यू नो, दो लोगों की शक्लें वैसे इतनी हमारी मिलती तो नहीं है, जैसा कि तुमने कहा कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, पर शायद लोग सिद्धार्थ को समझ लेते हैं. तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्रेंड बोल के घर पर मिलवाया हो सबसे? हाँ, हर गर्लफ्रेंड के साथ यही हुआ. याद रखिए, दो मिनट में दो बातों में पलट चुके हैं आप. ठीक है, लेकिन आप सच्चाई हमें पता चल गई, बिकॉज दिस इज अ कन्फेशन राउंड. तो गाइस, एवरीवन प्लीज लिसन, बहुत सारे डेट्स पे जा चुका है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं. नाउ यू नो अभिषेक निगम, यू नो. ओके, तो ऐसा कभी हुआ है कि एक आइडिया पे आपको, आपने सोचा कि मुझे, अरे इस आइडिया पे मैं रील बनाऊंगा, सेम कंटेंट आया दिमाग में सिद्धार्थ के, लेकिन आप दोनों ने अपलोड कर दी और व्यूज आ गए आपके ज्यादा और उसके कम? नहीं, व्यूज आ गए सिद्धार्थ के ज्यादा और आपके कम, वाइस वर्सा. ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने एक बार ऐसी रील बनाई, हमने दो रील्स बनाई, एक मैंने बनाई एक सिद्धार्थ ने बनाई, हम दोनों उसमें थे. तो सेम नहीं थी, मतलब एक का आइडिया मेरा था, एक का आइडिया उसका था. अच्छा. तो मुझे उसका आइडिया ऐसा लगा कि अच्छा है तो मैं ले लेता हूँ, और मैंने अपना आइडिया वाला तू डाल ले. उसकी ज़्यादा चली, उसकी वायरल हो गई. और मैं चंद से जो टूटे कोई सपना बस. तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने सिद्धार्थ को, क्योंकि वो छोटा है आपसे, चार साल छोटा है, फैम नॉट रॉन्ग, चार पाँच साल, चार साल छोटा है, तो आपसे चार साल छोटा है, आपने उसे कभी बोला है कि सिद्धार्थ तू अडॉप्टेड है और तेरे को हमने डस्टबिन से उठाया था? ये बोला है, बोला है, सिद्धार्थ आर यू लिसनिंग टू दिस? ऐसा बोला नहीं है. मैं बताऊँ सच्ची, तो मैं अपने घर का सबसे बड़ा यू नो लड़का था, और आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन. सडनली और आ गया. अब मैं देख रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ और मेरी दादी बुआ किसी और को लेके हो कर रही हैं, तो मैं सोचता था ये क्या है. मुझे ना पता था छोटा भाई. अच्छा, आपने उसको मारने की कोशिश की? तो नहीं, मारने की नहीं, मैं उसको छुपा आता था. क्या? तो घर में कपड़े इकट्ठे होते प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए, तो मैं उसके नीचे उसको डाला था, मैं हूँ सिर्फ इस घर में. फिर उसकी आवाज आती थी, फिर बुआ ढूंढती थी, अरे कहाँ चला गया. और भी बुरे बाकी हैं, क्या बताऊँ. बट फिर जब मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई है, मुझे समझाया गया कि अभिषेक बेटा ये आपका छोटा भाई है, मतलब आप आपका भाई है, तो फिर धीमे धीमे मुझे सिद्धार्थ से बहुत प्यार हो गया. फिर पूछो उसको मैंने कितना प्यार किया है. एक छोटी सी गेम हम खेलना चाहेंगे आपके साथ अभिषेक. ओके ओके, तो हम आपको कुछ इमोजीज दिखाएंगे, तो आपको उनको देख के गेस करना है कि वो कौन सी मूवी है. ओके, 1 2 आर यू रेडी? एंड ही, तंबू, कुत्ता, पैसा, टेंट, डॉग, मिलिन, स्लम डॉग मिलिनियर. अरे यार, ओके, नाउ योर टर्न. हाँ, ओके, गेस दिस. बंगला, गार्डन,
घर गार्डन विला फूल यार बंगला फूल मेरे को भी नहीं आज से पता था मुझे गलती समझ गई बंगला फूल ये बहुत इजी है आ बताओ इसके तीन पार्ट्स हैं चुपके समझ दे दिया उसको तीन पार्ट्स तो बहुत मूवीज के हैं बहुत इजी है चलो मैं 5 सेकंड बता बंगला फूल ए ऐसे मत करो कुछ मुझे भी सोचने दो यार जी बंगला फूल अरे बंगले को इंग्लिश में कर यार प्यार का पंचनामा कूल प्यानो कूल प्यानो ये नहीं कर पाओगे डूड प्यानो मैं भी सोचती हूँ कोई म्यूजिक से रिलेटेड फिल्म आई है क्या यार ये सही है ना अच्छी है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इसमें ना इसमें कुछ इससे रिलेटेड मतलब वर्ड्स नहीं है अंधाधुन अरे वेरी नाइस यार वेरी नाइस यार क्या बात है यार नाइस नाइस फिफ्थ वन इज दिस यार क्या होगा ये अरे थोड़ा टफ है मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली मोबाइल फोन यार ये तो बहुत टफ है मतलब कोई सिम कार्ड दूरभाष केंद्र हार गए ना हार गए हार गए थोड़ा ट्राई करो एक हिंट देती हूँ कैसे हंस रहे हो तो बहुत मजा आ रहा है चलो ठीक है इस मूवी में रणवीर सिंह है बैंड बाजा बारात रणवीर सिंह इज द बिगेस्ट हिंट तो बड़ा हिंट तो कोई दे नहीं सकता अच्छा एक और हिंट दूं नहीं अब तो पता ही चल जाएगा इंस्पेक्टर रणवीर सिंह She is Baa, that is Simba, Simba! Thank you यार, thank you so much. Actually मैं उनको बा नहीं समझ में आ रहा था मुझे अदरवाइज मैं सिम तो पकड़ लिया था सिम कौन नहीं पकड़ेगा सिम पूरी सिम बनी हुई difficult. तो बहुत ज्यादा मजा आया गेम बहुत अच्छी थी and it was a pleasure to have you on our show. Really and thank you so much for coming here for free. ये free था क्या राम भाई वहाँ इनवॉइस भर रहे हैं अपनी भी राम भाई फ्री था ये एंड ऑन एन ऑनेस्ट नोट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दैट यू टू आर रियली हार्ड वर्किंग एंड तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने पीछे पड़े रहे कि आ जाओ इस इंटरव्यू में देने के लिए तो मैं आ गया हूँ एक मैसेज करने की देर से बंदा यहाँ बैठा है पागल हो मैसेज भी नहीं किया था मैंने बात करते सुना था मैंने कहा मैं भी आऊंगा नहीं ये झूठ है बट तुम लोग वाकई में बहुत डेडिकेटेड हो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बोथ कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप लाइक रॉकिंग द वर्ल्ड लाइक यू ऑलवेज डू थैंक यू सो मच सो ये थे मेरी तारीफ नहीं करोगे स्टार्टिंग में हो गई ओके कंटिन्यू ओके तो गाइस ये थे हमारे हंसते मुस्कुराते हुए प्यारे से अभिषेक निगम तो मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में ओनली ऑन ट्विंटरव्यू